Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन ऑडिट, यानी कि हम ऑडिट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होते रहते हैं, चाहे वह कस्टमर का ऑडिट हो या फिर कोई सर्टिफिकेशन बॉडी का ऑडिट हो, और हम उस ऑडिट को तैयारी भी बहुत अच्छे से करते हैं, फिर भी बहुत सारे एनसी निकल के आ जाते हैं जिसे हमें क्लोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सीनियर का फटकार मिलती है वो अलग से। तो दोस्तों, इसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम ऑडिट की तैयारी कैसे करें, हम चेकलिस्ट कैसे बनाएं डिपार्टमेंट वाइज, जिससे कि हमारे ऑडिट में एनसी ना निकले। यदि निकलता भी है तो वह माइनर एनसी हो, बहुत ही इंप्रूवमेंट का एनसी हो, मेजर एनसी ना निकले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि ऑडिटिंग कहते किसे हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस या सिस्टम कंट्रोल कैसे हो रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं, उस वेरिफिकेशन एक्टिविटी को हम ऑडिटिंग कहते हैं। यानी ऑडिटिंग क्या है, एक वेरिफिकेशन एक्टिविटी है जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रोसेस और सिस्टम को हम वेरीफाई करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे एक्टिविटी को हम ऑडिटिंग कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कोई भी ऑडिटर आता है तो किस किस एरिया में ऑडिट करता है। तो दोस्तों, तीन एरिया हमने मेन लिया है, यह है सिस्टम कंट्रोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है, और प्रोडक्ट कंट्रोल कैसे होता है। आइए हम बात करते हैं सिस्टम कंट्रोल का। सिस्टम कंट्रोल में यह देखा जाता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसा है यह देखा जाता है। दूसरा है चेंज मैनेजमेंट, यह वेरीफाई किया जाता है कि कोई भी चेंजेज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे 4M हो या कोई ECN हो, DCN हो, उस तरह से कैसे कंट्रोल किया जाता है। तीसरा है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कोई अगर पार्ट डेवलपमेंट होने वाला है या हो रहा है या होता है, उसका हमारे पास कंट्रोलिंग कैसे है। फोर्थ है इसमें सिस्टम में कि ह्यूमन रिसोर्सेस एंड कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्सेस के क्या कंट्रोल है, क्या सिस्टम है, यह देखा जाता है। और फिफ्थ में इसमें देखा जाता है कि टूल और मशीन का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। सिक्स्थ में देखा जाता है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन और डिस्पैच, यानी कस्टमर के लिए हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या प्लान होती है, किस तरह से डिस्पैच किया जाता है या वेरीफाई किया जाता है। और इसमें सिस्टम में इन्वेंटरी और स्टोरेज के बारे में देखा जाता है, यह सब कवर किया जाता है सिस्टम कंट्रोल में। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में कौन कौन सा पॉइंट वेरीफाई किया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल में प्रोसेस कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका वेरीफाई होता है। इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि प्रोसेस जो हमारा हो रहा है उसका कंट्रोल प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं, PFMEA जो इसका ढंग से फॉलो हो रहा है कि नहीं, PFD यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अनुसार हमारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, प्रोसेस का जो हम मॉनिटरिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं, प्रोसेस का वैलिडेशन हम करते हैं कि नहीं। इसमें यह भी वेरीफाई किया जाता है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी हम चेक करते हैं कि नहीं, यानी कि सीपी और सीपी के हम इसमें चेक करते हैं कि नहीं, उसका वैल्यू कितना होता है यह देखा जाता है। और यह भी वेरीफाई किया जाता है कि जो हमारे प्रोसेस में प्रोसेस स्टैंडर्ड लगा है उसमें पोका होकर लगा है, वह सही ढंग से लगा है कि नहीं, पोका होकर सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, यह देखा जाता है। और हमारा इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है यह प्रोसेस के लिए, यह देखा जाता है। और इसमें प्रोसेस कंट्रोल में यह भी देखा जाता है कि सप्लायर मैनेजमेंट, यानी कि उसके सप्लाई करने वाले जो प्रोडक्ट, जो पार्ट सप्लाई करते हैं, उसका किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, यह सब बात देखा जाता है प्रोसेस कंट्रोल में। आइए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट कंट्रोल में हम प्रोडक्ट का किस तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, किस तरह से उसका कंट्रोलिंग है, यह देखा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो चेक करने का, इंस्पेक्शन करने के लिए, वह सफिशियंट है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं। और फाइनल इंस्पेक्शन प्रोडक्ट का जो भी हो रहा है वह कैसे हो रहा है, यह चेक किया जाता है। PDI हम कैसे करते हैं, यह देखा जाता है। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है और कैसे किया जाता है, यह देखा जाता है। ट्रेसेबिलिटी प्रोडक्ट का कैसे हम कर रहे हैं, यह देखा जाता है। और NC कंट्रोल कैसे किया जाता है, यानी कि कोई भी डिफेक्ट मटेरियल हमारे कस्टमर एंड पे ना जाए, उसका कंट्रोलिंग क्या है, यह देखा जाता है। और प्रोडक्ट का यदि कोई टेस्टिंग जरूरत है, वह टेस्टिंग किया जाता है कि नहीं, यह सब चेक किया जाता है। तो दोस्तों, एरिया तीन हुआ, सिस्टम कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्ट कंट्रोल।
आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑडिट का चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप डिपार्टमेंट वाइज या सेक्शन वाइज चेकलिस्ट बना सकते हैं और उसके अनुसार आप ऑडिट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे मैंने एक्सेल शीट में एक चेकलिस्ट बनाया है जिसमें हमने यह दिखाने की कोशिश किया है कि कोई भी कस्टमर आता है तो किस तरह से वह चेक करता है, किस तरह से मार्किंग करता है, किस तरह से स्कोर आपको देता है और उसके अनुसार किस तरह से आपका मार्किंग करने के बाद रेटिंग कैसे निकालता है, यह चीज हमने एक चेकलिस्ट एक्सेल शीट में बनाया है। उस एक्सेल शीट को, उस चेकलिस्ट को यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मात्र केवल 100 रुपया में उसको परचेज कर सकते हैं। आप इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल आईडी भेजिए, उस ईमेल आईडी पे मैं यह चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। यदि फिर भी यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं, नहीं चेकलिस्ट लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जैसे जैसे पीपीटी में आपको समझाऊंगा उस तरह से आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं, उसके अनुसार आप ऑडिट की तैयारी कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने ऑडिट प्रिपरेशन के लिए हमने 3 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन ए सिस्टम कंट्रोल, सेक्शन बी प्रोसेस कंट्रोल और सेक्शन सी प्रोडक्ट कंट्रोल। यह तीनों सेक्शन का चेक पॉइंट किस तरह से बनाया जाता है, आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आप इसमें सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कीजिए। सर्टिफिकेट यानी कि आईएसओ या आईएटीएफ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्टिफिकेट मिला है उसका वेरीफाई कर लीजिए, उसका वैलिड डेट देख लीजिए। और इसमें यह भी देखिए कि जब उस समय जो ऑडिट हुआ था आईएसओ का या आईएटीएफ का, उसमें जो एनसी निकले थे वो क्लोज हुआ है कि नहीं, यह वेरीफाई कीजिए। दूसरा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट में आप देखिए एमआरएम। एमआरएम क्या होता है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉप मैनेजमेंट के साथ एमआरएम करती है कि नहीं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर यह चाहता है कि जो भी उसका कस्टमर का जो भी रेटिंग है, परफॉर्मेंस रेटिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन का है, वह आपके टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखना चाहता है। तो आपको एमआरएम का मीटिंग का उसमें दिखाना पड़ेगा और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट का। चेंज मैनेजमेंट का यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेज होता है उसका आपका कंट्रोलिंग किस तरह से है। कहने का मतलब यह है कि यदि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइंग चेंज में, ड्राइंग में ईसीएन हुआ या डीसीएन हुआ, उसका आप किस तरह से फॉलो करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि 4M चेंजेज अगर होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका आप रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो सिस्टम कंट्रोल में जो पॉइंट है वह न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वेरीफाई आप ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। इसके लिए दो बातें होती है, एक तो यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन खुद डिजाइन करता है तो उसका क्या सिस्टम है, यह चीज चेक कर लीजिए। यदि कस्टमर का ड्रॉइंग आता है तो उसका क्या है, फ्लो डायग्राम बना लीजिए कि कस्टमर का ड्रॉइंग आते समय आप किस तरह से मोल्ड बनाते हैं, किस तरह से टूल बनाते हैं, किस तरह से उसको आप ट्रायल करते हैं, यह सब होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और इसमें एक और ध्यान दिया जाता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है तो आप अपने कस्टमर को सैंपल सबमिट करते हैं पीपेप के साथ, तो वह पीपेप भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो आप पीपेप को भी वेरीफाई कर लीजिए इस सेक्शन में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है ह्यूमन रिसोर्सेस एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें वेरीफाई किया जाता है। इसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट के अनुसार आपका उसमें स्टाफ या पर्सन काम कर रहे हैं कि नहीं उसको वेरीफाई कर लीजिए, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है कि नहीं यह भी देखिए, और कोई कस्टमर विंडो पर्सन है कि नहीं, यानी कि कस्टमर को देखने के लिए कौन सा आदमी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, यह भी डिफाइन कर लीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड कंट्रोल में आपका रिवार्ड सिस्टम भी देखा जाता है कि आप अपने ऑपरेटर्स को या एसोसिएट को किस तरह से रिवार्ड देते हैं या नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि फुल अटेंडेंस अवार्ड दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटर्स को तो किस तरह से देते हैं, यह चेक किया जाता है। तीसरी इसमें जो ध्यान दिया जाता है ट्रेनिंग का, यानी कि नया ऑपरेटर या नया कोई इंप्लाई आता है तो उसका ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और वह ट्रेनिंग जो देते हैं वह सफिशियंट है कि नहीं है, यह भी देखा जाता है। और इसमें यह भी चेक किया जाता है कि जो मेन पावर आप क्रिटिकल स्टेशन पे प्रोसेस के लिए लगाते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है, कितना दिन का ट्रेनिंग कैसे कैसे देते हैं, यह सब चेक किया जाता है। और वह जो है कंटिंजेंसी प्लान भी चेक किया जाता है कि आपका इमरजेंसी केस में किस तरह से आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे।
आइए दोस्तों, हम बात करते हैं सिस्टम कंट्रोल का। जो सीरियल नंबर 5 है वह है टूल मोल्ड मशीन मेंटेनेंस। इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पीएम देखा जाता है कि आपके मोल्ड का या मशीन का पीएम कैसा हो रहा है, यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वह प्लान वर्सेस एक्चुअल हो रहा है कि नहीं, और उसके लिए कोई चेकलिस्ट आपने बनाया है कि नहीं, हिस्ट्री कार्ड है कि नहीं मेंटेनेंस का, यह सब देखा जाता है। दूसरी बात आपको इसमें यह देखा जाता है कि आपके यहाँ ब्रेक डाउन का क्या सिस्टम है, यदि कोई मशीन या मोल्ड अगर ब्रेक डाउन में जाता है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जाता है, क्या सिस्टम है, यह सब चेक किया जाता है टूल मोल्ड मशीन और मेंटेनेंस। आइए अब हम बात करते हैं सिस्टम कंट्रोल का। जो सीरियल नंबर 6 है वह है प्रोडक्शन डिस्पैच शेड्यूलिंग, यानी कि आपका प्रोडक्शन जो हो रहा है वह प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं, और प्लान के अनुसार प्रोडक्शन हो रहा है तो वह उसको डिस्पैच करने का कस्टमर का जो शेड्यूलिंग है वह शेड्यूलिंग वर्सेज डिस्पैच कैसे हो रहा है, यह देखा जाता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सिस्टम कंट्रोल में। जो 7th सीरियल है वह है कि इन्वेंटरी एंड स्टोरेज सिस्टम। इसमें यह देखा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंटरी कंट्रोल कैसे हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से स्टोरेज किया गया है, कितना रखा गया है, कितना चाहिए और कितना रखा गया है, या इसमें वेरीफाई किया जाता है कि मिनिमम मैक्सिमम लेवल डिफाइंड है कि नहीं, इसके लिए सफिशियंट आपके पास स्पेस है कि नहीं, WIP में जो वर्किंग प्रोसेस में है, जो ऑलरेडी प्रोसेस में हो रहा है पार्ट, उसके लिए किस तरह से आपको कंट्रोल करते हैं, किस तरह से रख रखाव है। इसके साथ साथ यह भी वेरीफाई किया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल का हैंडलिंग होता है वह किस तरह से होता है, वह ट्रॉली सिस्टम है या बिन सिस्टम है, किस तरह से यह वेरीफाई किया जाता है। और साथ ही साथ वर्कशॉप फ्लोर में हाउसकीपिंग किस तरह से मेंटेन है, 5S किस तरह से मेंटेन है, यह वेरीफाई किया जाता है। और इसमें लास्ट में यह भी वेरीफाई किया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल का फ्लो हो रहा है वह फीफो सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं। फीफो सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि कोई मटेरियल अगर आता है पहले तो वह पहले उसको आउट किया जाएगा, और जो मटेरियल बाद में आता है उसको बाद में किया जाता है। यह सब वेरीफाई किया जाता है BOP से लेकर के डिस्पैच मटेरियल तक। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन बी प्रोसेस कंट्रोल का। दोस्तों इसमें जो पहला जो सीरियल है वह है कंट्रोल प्लांट PFMEA एंड PFD। दोस्तों इसमें एक्चुअली जो ऑडिटर है वह देखने की कोशिश करता है कि जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है वह एज पर कंट्रोल प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं। दोस्तों हमने कंट्रोल प्लान पर और PFMEA पे ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप उसे जरूर देखिए पूरी जानकारी के लिए। इसमें यह वेरीफाई किया जाता है कि पूरा प्रोसेस जो हमारा हो रहा है एज पर कंट्रोल प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल प्लान जो है अपडेटेड है कि नहीं, PFMEA अपडेटेड है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, यह सब चीज चेक किया जाता है। इसके बाद जो है प्रोसेस कंट्रोल में वह है प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड। कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है एज पर PFD प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अनुसार, उसका जो प्रोसेस का पैरामीटर जो है वह हम मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं, और उसका रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो फर्स्ट पार्ट यानी शिफ्ट स्टार्ट होते ही जब फर्स्ट पार्ट निकलता है उसको कौन वेरीफाई करता है, प्रोसेस इंजीनियर करता है, इंस्पेक्टर करता है, लाइन लीडर करता है कि नहीं करता, यह सब चीज वेरीफाई किया जाता है। तीसरा जो है प्रोसेस कंट्रोल में वह है प्रोसेस वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। दोस्तों एक्चुअली इसमें हमारा ऑडिटर यह देखना चाहता है कि जो भी हमारा प्रोसेस का जो प्रोसेस हो रहा है वह वैलिडेट होता है कि नहीं, वैलिडेट कौन करता है, कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्थ है वह है प्रोसेस कैपेबिलिटी चेक, यानी कि जो CTQ स्टेशन है, CTQ क्या कहते हैं, CTQ कहते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी, यानी कि प्रोसेस में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन सभी प्रोसेस को CTQ नहीं कर सकते हैं, जो क्रिटिकल जो पैरामीटर होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको हम CTQ स्टेशन कहते हैं। दोस्तों हमने CTQ और CTP पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप उसे जरूर देखिए पूरी जानकारी के लिए। और तीसरा चीज इसमें देखा जाता है कि जो CTQ स्टेशन है उसका प्रोसेस को हम किस तरह से मॉनिटर करते हैं, यानी कि CP और CP के कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, यह सब चीज देखा जाता है। दोस्तों हमने CP और CP के पे वीडियो बनाया, 3 वीडियो हमने बनाया, उसे आप जरूर देखिए। एक तो हमने SPC स्टडी पे बनाया, दूसरा हमने बनाया है कि CP और CP के हाउ टू कैलकुलेट यानी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यह इस पे वीडियो बनाया है। और तीसरा एक हमने बनाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CPK। तो दोस्तों अगर डिटेल जानना है CP और CPK के बारे में तो आप मेरे वीडियो जरूर देखें, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
जो प्रोसेस कंट्रोल में जो चेक किया जाता है वह है प्रोसेस स्टैंडर्ड और पोका ओके वेरिफिकेशन। इसमें यह देखा ऑडिटर देखने की कोशिश करता है कि जो भी हमारे प्रोसेस हो रहे हैं उसके हर प्रोसेस पे स्टैंडर्ड डिस्प्ले है कि नहीं, और उस प्रोसेस में जहां जहां पोका ओके लगा है उसका हमारे पास क्या कंट्रोलिंग है, यह सब चीज देखा जाता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड लगा हुआ है जिसे हम एसओपी कहते हैं वह सही ढंग से डिस्प्ले है कि नहीं। सही ढंग से करने का मतलब कि हर प्रोसेस का जो पैरामीटर है उसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों हमने एसओपी पर रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिए एसओपी के पूरी जानकारी के लिए। पोका ओके में यह वेरीफाई किया जाता है कि पोका ओके का जो भी डिफाइंड किया गया है उसके अनुसार आपका पोका ओके काम कर रहा है कि नहीं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में प्रोसेस कंट्रोल का, जो इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट। इसमें यह देखा जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है वह किस तरह से है, यानी इसमें यह दो चीज जरूर देखा जाता है। एक इंटरनल सिस्टम ऑडिट का क्या हमारा सिस्टम है, यानी कि हम कोई हमारे इंटरनली सिस्टम ऑडिट हम करते हैं कि नहीं, अगर वो करते हैं तो हमारा प्लान क्या है, प्लान के अनुसार हमारा एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, यह वेरीफाई किया जाता है। और इसमें जो सिस्टम ऑडिट में जो एनसी निकले हैं उसका क्लोजिंग किस तरह से होता है यह देखा जाता है। इसी तरह से प्रोसेस ऑडिट का देखा जाता है कि इंटरनली हम प्रोसेस ऑडिट करते हैं कि नहीं, उसका प्लान बना है कि नहीं, उसके प्लान के अनुसार एक्चुअल हम कर रहे हैं कि नहीं। इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि जो हमारा प्रोसेस ऑडिट में एनसी निकल रहा है उस तरह से हम किस तरह से उसको क्लोज कर रहे हैं। तो यह सब चीज चेक किया जाता है इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट में। आइए दोस्तों हम सेक्शन बी प्रोसेस कंट्रोल में हम देखते हैं कि सप्लायर मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होता है। इसमें ऑडिटर यह जानने की कोशिश करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सप्लायर है उसका आप किस तरह से कंट्रोल करते हो, यानी इसमें आप सप्लायर का परफॉर्मेंस रेटिंग निकालते हो कि नहीं और उसे मंथली बेस पे उसमें उसके साथ शेयर करते हैं कि नहीं। दोस्तों सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग जो है हमने एक वीडियो बनाया, उसे आप जरूर देखिए सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग निकालने के लिए कि किस तरह से निकाला जाता है। और यह भी इसमें देखा जाता है कि यूपी पार्ट जो आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंस्पेक्शन करने का क्या मेथड है। कहने का मतलब कि हमारे पास कोई बीओपी पार्ट चेक करने के लिए सप्लायर का जो बीओपी हम चेक करते हैं उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बनाए हैं कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हम करते हैं कि नहीं, और उसका चेक करने के लिए हमारे पास कोई रिसीविंग गेज है कि नहीं, यह सब चेक किया जाता है। और यह भी यह देखा जाता है कि सैंपलिंग प्लान है कि नहीं सप्लायर। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सप्लायर मैनेजमेंट में वह यह भी चेक किया जाता है कि हमारे पास जो है वेंडर ऑडिट का प्लान है कि नहीं, यानी कि हम अपने सप्लायर को किस तरह से ऑडिट करते हैं। और यह भी ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है कि हमारे पास सप्लायर का अप्रूव्ड लिस्ट है कि नहीं, और यदि हम वेंडर ऑडिट करते हैं तो उसका कोई प्लान है कि नहीं, प्लान के अनुसार हम उसको एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यदि सप्लायर का कोई एनसी निकलता है तो वो क्लोजिंग कैसे होता है। दोस्तों इसमें सप्लायर मैनेजमेंट में मटेरियल टेस्टिंग का भी चेक किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि हम उसमें एनुअली थर्ड पार्टी से मटेरियल का टेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं, और जो यह इसमें यह भी चेक किया जाता है कि जो हमारा सप्लायर पार्ट हम दे रहे हैं, सप्लायर हमें पार्ट दे रहा है वह आरएमटीसी के साथ दे रहा है कि नहीं, रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं, यह सब वेरीफाई किया जाता है आपका सप्लायर मैनेजमेंट में। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सेक्शन सी प्रोडक्ट कंट्रोल, यानी कि हम प्रोडक्ट का कंट्रोल कैसे करेंगे जिससे कि हमारे कस्टमर एंड पे ओके मटेरियल क्वालिटी प्रोडक्ट जाए। इसके लिए सबसे पहले जो चेक पॉइंट है वह इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का, यानी कि इसमें ऑडिटर यह वेरीफाई करता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रूमेंट है, जो गेजेज हैं, जो फिक्चर है, वह उसका लिस्ट है कि नहीं, उसके अनुसार लिस्ट के अनुसार कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं, यह सब चीज चेक किया जाता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कैलिब्रेशन का हमारे पास प्लान है कि नहीं और प्लान वर्सेस एक्चुअल हो रहा है कि नहीं, यह सब चेक किया जाता है इंस्ट्रूमेंट गेज और फिक्सर में। आइए दोस्तों और हम बात करते हैं एमएसए के बारे में। ऑडिटर यह चेक करना चाहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एमएसए का जो एक्टिविटी है वह होता है कि नहीं, एमएसए में जो आर एंड आर वैल्यू निकाला जाता है वह हो रहा है कि नहीं। दोस्तों एक्चुअली में हमने एक एमएसए पे वीडियो बनाया है, बहुत ही सही ढंग से बनाया है कि एमएसए कैलकुलेशन कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है, वह आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट कंट्रोल में सेक्शन सी में जो दूसरा जो पॉइंट चेक किया जाता है वह है सीटीक्यू एंड फाइनल इंस्पेक्शन। इसमें यह देखा जाता है कि प्रोसेस में जितने सीटीक्यू स्टेशन है, सीटीक्यू करने का मतलब है क्रिटिकल टू क्वालिटी, यानी जो जो क्रिटिकल स्टेशन है उस पर किस तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है, और ऑडिटर यह भी देखने की कोशिश करता है कि जो हम इक्विपमेंट फाइनल इंस्पेक्शन में या इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वह सफिशियंट है या नहीं है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि प्रोसेस में जहां पर लिमिट सैंपल या मास्टर सैंपल रिक्वायर है वह अवेलेबल है कि नहीं है। इसके साथ साथ ऑडिटर यह चेक करना चाहता है कि जो मेन पावर सिटी क्यू स्टेशन पर लगाया गया है वह ट्रेंड है या कि नहीं है। तो दोस्तों यह सब पॉइंट चेक किया जाता है सिटी क्यू एंड फाइनल इंस्पेक्शन में। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें जो है प्रोडक्ट कंट्रोल में वह है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, यानी कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और वह रेडी फॉर डिस्पैच होता है कस्टमर के लिए, उस समय हम प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन यानी कि हम पीडीआई करते हैं। पीडीआई में हम यह देखते हैं कि जो हम चेक करते हैं पीडीआई में डायमेंशन को, वह सभी सिटी क्यू डायमेंशन उसमें कवर हो रहा है कि नहीं। और इसके साथ जो ऑडिटर है यह भी चेक करने की कोशिश करता है कि जो पीडीआई इंस्पेक्शन हो रहा है और उसका जो रिपोर्ट बन रहा है कि नहीं, जो रिपोर्ट बनता है तो कस्टमर को हम एवरी लॉट के साथ सबमिट कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोल में जो प्रोडक्ट लेआउट है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हम जो जनरली हम चेक करते हैं प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं उसमें ड्राइंग के अनुसार सारे डायमेंशन कवर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ऑडिटर यह चाहता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट साल में एक बार या हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें हम पूरे ड्राइंग के जितने डायमेंशन ड्राइंग में है वह चेक हो सके। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट में यह वेरीफाई किया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट लेआउट का हमने जो प्लान बनाया उसके अनुसार हम चेक कर रहे हैं कि नहीं, और वह मंथली बेस पे हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि जो हम प्रोडक्ट ऑडिट कर रहे हैं उसमें जो ड्राइंग है वह लेटेस्ट है कि नहीं, और सभी पैरामीटर चेक हो रहा है कि नहीं, यह सब चीज देखा जाता है। और इसके साथ अगर प्रोडक्ट ऑडिट में अगर कोई इशू निकलता है या डिफेक्ट निकलता है उसको किस तरह से हमने एनालाइज किया, किस तरह से हमने एक्शन लिया, यह सिर्फ एक्शन ऑडिटर चेक करता है। आइए दोस्तों अब हम और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में प्रोडक्ट कंट्रोल में जो फिफ्थ नंबर सीरियल है वह है ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यदि हम प्रोडक्ट किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो उसमें हमारा कोई बैच कोड है क्या, क्योंकि यदि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाकर के फेल होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रोडक्ट किस डेट को किस मशीन पे किस ऑपरेटर द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए हर प्रोडक्ट पे यह ट्रेसेबिलिटी होना जरूरी है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोल में सेक्शन सी में जो सीरियल नंबर 6 है, इसमें है एनसी कंट्रोल, यानी कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से हम उसको रोकते हैं जिससे कि हमारा ओके मटेरियल अपने कस्टमर एंड पे जाए। इसमें यह चेक किया जाता है कि कस्टमर के नजर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या रेटिंग चल रहा है, और जो कस्टमर कंप्लेन अगर होता है उसके लिए हमारा क्या सिस्टम है, किस तरह से हम उसको कोई रजिस्टर बनाया है या कोई इस तरह से डाटा बनाया है जिससे कि हमारा पता चल सके कि कौन कौन सा कस्टमर का किस समय कंप्लेन आया हुआ है, और हर कस्टमर का जो कंप्लेन आता है उसका हमने प्रॉपर एनालाइज किया है क्या, उसका प्रॉब्लम का एक्शन लिया है क्या, यह सब चेक किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो भी कस्टमर एंड पे जो प्रॉब्लम आई है उसका हमने करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं क्या। इसके साथ साथ एनसी कंट्रोल में यह चेक किया जाता है कि जो हमारे इंटरनल रिवर्क या रिजेक्शन का जो मॉनिटरिंग है वह किस तरह से है, यानी कि किस तरह से हम रिवर्क कर रहे हैं या कोई रिजेक्शन का किस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं, यह सब चेक किया जाता है एनसी कंट्रोल में। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में जो प्रोडक्ट कंट्रोल में है वह है प्रोडक्ट टेस्टिंग, यानी कि कोई भी हम प्रोडक्ट हम जो दे रहे हैं वह एज पर प्लान के अनुसार उसका टेस्टिंग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह सब चेक किया जाता है। और तो दोस्तों यह आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। इसमें हमने यह समझाने की कोशिश किया कि कोई भी ऑडिट हो, कस्टमर एंड का हो या सर्टिफिकेशन बॉडी का, आईएसओ टीएस का ऑडिट हो, तो हम किस तरह से तैयारी
करते हैं दोस्तों, या जो हमने चेक पॉइंट बताया, या हो सकता है कि कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकता है, लेकिन जो एरिया है वह मेजर एरिया जो है यही होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि हम अपने एंड पे सिस्टम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं और प्रोसेस कंट्रोल कैसे कर रहे हैं और प्रोडक्ट का कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, यही सब चीज एरिया होता है चेक करने का। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।